जनपद चमोली में नौली धोती धार मोटर मार्ग को लेकर 14वें दिन संघर्ष समिति और क्षेत्रीय जनता में विनायक धार चौराहे पर शासन प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर चक्का जाम किया। इस दौरान आंदोलनकारियों ने कहा कि बड़े दुर्भाग्य की बात है कि 14 दिन बीतने के बाद भी शासन प्रशासन अभी तक मोटर मार्ग के शासन आदेश जारी नहीं किया है। साथ ही सूबे की सरकार लगातार इस क्षेत्र को अनदेखा कर रही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यदि अभी भी मोटर मार्ग का शासन आदेश जारी नहीं किया गया तो अब उग्र आंदोलन किया जाएगा। चमोली से संदीप कुमार की रिपोर्ट। चौदह दिनों से यहाँ पे नौली धोतीधार मोटर मार्ग को लेकर के पूरे 40 गांवों के इस हापला वैली के प्रतिनिधि से लेकर सभी ग्रामीण यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी भी शासन प्रशासन इस पे कोई अमल में नहीं आ रहा है। आज हमने इस संबंध में यहाँ पे चक्का जाम रखा था विनायक धार चौराहे पे। अभी ये एक सरकार को चेताने के लिए है कि अगर समय रहते हुए ये लोग इस पे कार्रवाई नहीं करते हैं, इस रोड का शासनादेश नहीं निकालते हैं, तो ये आंदोलन और भी उग्र होगा। कल जो डिसाइड किया था कि चक्का जाम का था, लेकिन हमने बीच पर मंत्रणा की शाम को कि कोई हम बड़ा चक्का जाम नहीं करेंगे, हम सिर्फ एक क्षेत्र और एक क्षेत्र की आवाज़ जो है शासन प्रशासन तक उठाने का, जो हमारा अभी ये शुरुआती चरण है। 14 दिन से तो हम बैठे ही हैं और आज हमने जो शासन प्रशासन को जो अपना आवाज रखने का जो काम किया है तो शासन प्रशासन ने बड़ा सहयोग किया है। पूरा आज तक जितना भी हम लोग यहाँ धरने में बैठे हैं, रोज हमारा साथ दिया है और हम लोगों की पूरा बात को आगे तक पहुँचाने की हमारी मदद की है। हम धोतीधार की मांग आज से नहीं है, धोतीधार की मांग बहुत पहले से है। इसके लिए हापला में बोर्ड भी लगाया गया है, लेकिन रोड को केवल नौली तक ही अभी तक पहुंची है और अभी कुछ हिस्सा बचा है जिसमें शायद कुछ सेंचुरी एरिया की बात की जा रही है, जबकि उसमें अभी कुछ हुआ नहीं है और हमें नहीं पता उस पर कभी सर्वे भी हुई है। यह केवल बहाने मारे जा रहे हैं, लेकिन हम लोग इस बार पूरी घाटी के और पोखरी क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधि, सभी क्षेत्रवासी इस मांग को लेकर बैठे हैं।